सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को, और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। दिल्ली में फिर यमुना नदी खतरे के निशान को पार कर गई। रविवार की सुबह करीब 8 बजे नदी का जलस्तर 205.9 मीटर दर्ज किया गया था, लेकिन देर शाम ये जलस्तर 206.35 मीटर तक पहुंच गया। आज यानी सोमवार को सुबह यमुना का जलस्तर 206.4 मीटर दर्ज किया गया। यमुना दिल्ली में खतरे के निशान से करीब 8 मीटर ऊपर बह रही है। बता दें कि दिल्ली में एक बार फिर यमुना अपना रौद्र रूप दिखा सकती है। इसकी वजह हथनी कुंड बैराज से छोड़ा जा रहा पानी है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर एक बार फिर खतरे के निशान को पार कर गया है। यमुना में खतरे का निशान 205.33 मीटर है, जिसे यमुना नदी पार कर चुकी है। हथनी कुंड बैराज से लगातार प्रति सेकंड 1,00,000 क्यूबिक मीटर से अधिक पानी छोड़ा जा रहा है। शनिवार को तो प्रति सेकंड 2,00,000 घन मीटर से भी अधिक पानी छोड़ा गया। ऐसे में दिल्ली हाई अलर्ट पर है। कहा जा रहा है कि अगर जलस्तर 206.7 मीटर तक बढ़ा तो यमुना खादर में बाढ़ आ सकती है। उधर दिल्ली सटे नोएडा और गाजियाबाद में हिंडन नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नोएडा में बाढ़ का अलर्ट जारी करते हुए हिंडन नदी किनारे से 200 लोगों को राहत शिविरों में पहुंचा दिया गया। गाजियाबाद बैराज पर हिंडन नदी के खतरे का निशान 205.8 मीटर है और इस समय नदी का जलस्तर 200.65 मीटर है। गौतम बुद्ध नगर हिंडन और यमुना नदियों के बीच हाल ही में यमुना नदी के किनारे बाढ़ की स्थिति पैदा हुई। गौरतलब है कि दिल्ली में आज भी बारिश के आसार हैं। रविवार शाम भी दिल्ली NCR के कई इलाकों में बारिश हुई, जिसके बाद भीषण गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन दूसरी तरफ यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से फिर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली के कई हिस्सों में चेतावनी जारी की गई है। दिल्ली के वजीराबाद इलाके में बाढ़ के हालात हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों में चिंता है। खबरी चौखट की रिपोर्ट।